क्या बता सकती हैं कहाँ रहते हैं? नहीं पता नहीं। Excuse me, hi, आप अनिरुद्ध को जानते हैं? कौन अनिरुद्ध? ये इसकी फोटोग्राफ। नहीं, हमने इस आदमी को कभी नहीं देखा। थैंक्स। बहन जी, आप बता सकती हैं कि ये आदमी यहाँ रहता है कि नहीं? जी बहन जी, ये इसी बस्ती में रहता है, मैंने इसे देखा है। ये रहा उनका घर, रूम नंबर 10। ओह, थैंक यू, थैंक यू। रसीद नंबर 10। ओह गॉड, यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है अरमान। क्या करें, चलें। अरमान, वो अनिरुद्ध। कौन अनिरुद्ध? आप गलत घर पे आ गए, मैं अनिरुद्ध नहीं। क्या धनराज? इस बार आप अपनी बेटी की खुशियों के बीच में नहीं आ सकते। आप एक पिता हैं मिस्टर धनराज, एक बेटी के पिता। पिता चाहे अमीर हो या गरीब, वो हमेशा यही चाहता है कि उसकी बेटी खुश रहे, हमेशा खुश रहे। दौलत से कभी किसी को खुशियाँ नहीं मिलती हैं मिस्टर धनराज, खुशियाँ सिर्फ मोहब्बत से मिलती हैं, जो आप अपनी बेटी को नहीं दे पाए। अनिरुद्ध आपकी बेटी को वो सब कुछ दे सकता है जो आप नहीं दे सकते मिस्टर धनराज। अनिरुद्ध आपकी बेटी को जिंदगी के वो हसीन पल दे सकता है जो आप नहीं दे पाए। क्या कमी है आपके पास मिस्टर धनराज? सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी आप शूली को वो सब नहीं दे पाए जिसके लिए वो बरसों से इंतजार कर रही थी। दौलत से दवाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन दुआएं नहीं। आप चाहते ना कि आपकी शूली खुश रहे। लगा कि रिश्ता अपने बराबर वालों से होना चाहिए, लेकिन आज मुझे पता चला कि जिससे हमारा रिश्ता है खुश रहो बेटा, खुश रहो। जस्सी बेटा, तुमने मुझे आज एक बहुत बड़ा पाप करने से बचा दिया। अगर आज तुम नहीं आती ना, तो मैं शूली को लेकर जरूर चलूं। बेटी की खुशियां यहीं पर छोड़ जाता। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स सर। प्लीज मुझे बता दो, मुझे माफ कर दो अरमान भैया, मैं बदल गया हूं, जागी भी अब बोल नहीं रहा। जस्सी, इस मगरमच्छ के आंसू में मत जाना, ये तो भरोसे के लायक ही नहीं। पहले आर्यन की चाबी भरता रहता था, अब जस्सी भाभी होगी। जस्सी मैं बता रहा हूँ, देखो इस पे भरोसा कभी भी मत करना, ये तो थाली का बैंगन है, कभी इस थाली में तो कभी उस थाली में, और ये बैंगन जिस थाली में खाता ना उसी में छेद भी करता है। दीदी, मैं कोई छेद रेत नहीं करूंगा, मैं एकदम बदल गया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक्चुअली वो आर्यन के साथ रह के मैं थोड़ा सा मैड हो गया था, लेकिन जागी तभी अब सिर्फ आपको रिपोर्ट करेगा, सिर्फ आप ही की थाली में रहेगा, प्रॉमिस यू। अरमान भैया प्लीज हेल्प मी। जोगिंदर, तुम यहाँ से सीधे जलंधर जा रहा अपनी रानी बुआ के साथ। नो अरमान, नो प्लीज। तुम जागी बी को जलंधर नहीं भेजोगे, मेरा क्या होगा? जस्सी, अगर जागी बी जलंधर जाएगा तो मुझे भी इसके पीछे जाना पड़ेगा। प्लीज जस्सी, इसे यहीं पे रहने दो ना, मैं इसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाऊंगा। पर्सनल असिस्टेंट? ओके जागी, तुम मैडी के पर्सनल असिस्टेंट। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरा पर्सनल असिस्टेंट बनकर गुलमोहर में रहना पसंद है या फिर जलंधर वापस जाना पसंद है? Do I have a choice? No, Jaggi bhi, you don't have a choice, honey. मेरा पर्सनल असिस्टेंट बनने की खुशी में जागी भी मुझे ट्रीट के लिए लेके जाएगा। You have a choice.